मंत्रालय कर्मचारी संघ ने केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन की सूचना राज्य सरकार को दे दी है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मंत्रालय में आज कोई भी काम नहीं होगा। कर्मचारी केंद्र के सामने ही 28% डीए चाहते हैं, समान ही 28% डीए चाहते हैं। और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के मुताबिक प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया। कर्मचारियों को 200 रुपए परिवहन भत्ता मिलता है, जो कि बेहद हास्यास्पद है। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र के समान डीए दिया जाए। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र के कर्मचारियों के समान ही उन्हें डीए दिया जाए, क्योंकि महंगाई का असर सब पर ही पड़ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वहीं अगर हम परिवहन भत्ते पर नजर डालें, हास्यास्पद परिवहन भत्ता जो कर्मचारियों को मिलता है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन तो होना ही था। बिल्कुल शुभांगी, देखिए मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी संगठनों का आंदोलन का सिलसिला है वो थमता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लगातार आंदोलन चले, अब जो कर्मचारी संघ है वो आंदोलन कर रहे हैं, और अब मध्य प्रदेश के जो मंत्रालय कर्मचारी संघ है उन्होंने आंदोलन करने का, हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हालाँकि ये हड़ताल सिर्फ एक दिन के लिए होगी, और 3 मुख्य मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसमें सबसे पहले जो वेतन वृद्धि का जो मामला है, पिछले लंबे समय से अटका हुआ है, वेतन वृद्धि लागू करने की मांग जो कर्मचारी संघ है वो कर रहे हैं। पदोन्नति लंबे समय से नहीं हुई है, तो जिनकी पदोन्नति होनी है, प्रमोशंस होने हैं, उन्हें प्रमोशंस दिया जाए, ये मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ ही जो मुख्य मांग निकल कर सामने आई है वो महंगाई भत्ते को लेकर है। केंद्र सरकार की तर्ज पर, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को जिस तरह से जिस दर पर महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसी दर पर राज्य शासन से भी जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि राज्य शासन के जो कर्मचारी हैं उनको भी महंगाई भत्ता दिया जाए, बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि जो कर्मचारी संघ हैं, कर्मचारी संघ के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत की जाए, समन्वय बनाया जाए, ताकि जो COVID-19 के संक्रमण के बीच कामकाज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि ये एक विपरीत समय ज़रूर है। COVID-19 के संक्रमण के काल के चलते हमने देखा, पिछले अगर 1.5 साल की बात करें तो 2 फेज़ में लॉकडाउन हुआ, लंबा लॉकडाउन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, सरकार को भी आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर कर्मचारी भी हड़ताल पर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं उनको प्रभावित करने का काम कर सकता है। उम्मीद यही है कि संगठन और सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच समन्वय बन सकेगा और हड़ताल जल्द ही खत्म होगी, और जो कर्मचारियों की उचित मांगे हैं उन पर भी गवर्नमेंट के द्वारा ज़रूर कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल वासु, उम्मीद यही करते हैं कि ये हड़ताल जो है ये आज के आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि मंत्रालय का काम भी इससे प्रभावित होगा। और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद यही उम्मीद रहेगी कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित हो। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।